90th डिकेड वो दौर था जब लोगों की जिंदगी टू व्हीलर्स और टीवी चैनल्स पर अटकी हुई थी। सेलेक्टेड प्रोग्राम्स और एड्स से लोग खुश थे। आज भी उस दौर की सारी बातें लोगों को याद है। अब जब 90th डिकेड के एड्स की बात हो रही है तो निर्मा वॉशिंग पाउडर एड का गाना अपने आप ही जुबान पर आ जाता है। इसका जिंगल आज भी लोगों के जहन में फ्रेश ही है। वॉशिंग पाउडर निर्मा का वो गाना लोग तब भी गुनगुनाते थे और आज भी वह सभी को याद है। आज भी सबको याद जरूर आता होगा कि निर्मा वॉशिंग पाउडर के पैकेट पर एक लड़की व्हाइट फ्रॉक पहने नजर आती है, लेकिन बहुत कम लोग इस लड़की के पीछे की कहानी जानते हैं। दरअसल 1969 में गुजरात के करसन भाई ने निर्मा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत की थी। करसन भाई एक केमिकल इंजीनियर थे और गवर्नमेंट जॉब करते थे। उनको एक बेटी थी जिससे वे बेहद प्यार करते थे। उनकी बेटी का नाम निरुपमा था, लेकिन प्यार से वे अपनी बेटी को निर्मा बुलाते थे। हर एक पिता की तरह करसन भाई भी अपनी बेटी को आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। लेकिन किस्मत पर किसका वश चलता है, एक दिन एक्सीडेंट होने से निरुपमा की मृत्यु हो गई, जिससे करसन भाई टूट गए और उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। करसन भाई की ख्वाहिश थी कि निर्मा बड़ी होकर खूब नाम कमाएगी, लेकिन निर्मा की मृत्यु से वह ठान चुके थे कि निर्मा को वो अमर कर देंगे। करसन भाई केमिकल इंजीनियर होने से ऐश, सोडा और कुछ केमिकल्स मिलाकर वॉशिंग पाउडर अपने घर में ही बनाकर आसपास के लोगों को दिया था, जो उसे यूज करके लोग खुश थे। निर्मा के मृत्यु के बाद करसन भाई ने अपना जॉब छोड़कर निर्मा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत की और पैकेट पर निर्मा की तस्वीर लगाना शुरू कर दी। हालांकि यह सफर उतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान लीवर, सर्फ जैसे कंपनी ऑलरेडी मार्केट में थे। उस वक्त सर्फ 12 रुपए पर केजी था, तो करसन भाई निर्मा को 3 रुपए केजी पर बेचते थे। जैसा कि लोगों की चाह होती है कि उन्हें सस्ता और सबसे अच्छी चीज मिले, और करसन भाई का फॉर्मूला इस चाहत में फिट हुई। करसन भाई के निर्मा वॉशिंग पाउडर को अहमदाबाद के लोग एक बड़े स्तर पर जानने लगे और 3 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने इस वॉशिंग पाउडर के फॉर्मूला को तैयार किया। इसे बनाने से लेकर बेचने तक का हर काम करसन भाई स्वयं करते थे। उन्होंने निर्मा को आगे बढ़ाने के लिए एक टीम का निर्माण किए और एड्स भी देना शुरू किया। निर्मा एड एक बहुत ही शानदार जिंगल के साथ टीवी पर आने लगा। देश भर में रातों रात निर्मा ने लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया और निर्मा केवल गुजरात के अहमदाबाद में ही नहीं बल्कि देश में अपनी पहचान बना चुका था। आज करसन भाई के कंपनी में करीब 15,000 एम्प्लॉइज है। 2004 के कैलकुलेशंस के अनुसार निर्मा कंपनी का टर्नओवर 15 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा है, जो अब 100 करोड़ डॉलर हो गया होगा। और उनके बेटी निर्मा बड़ी होकर खूब नाम कमाने का ख्वाब सच कर दिया। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.